अनिता पाठक। तो बढ़ते हैं आज की खास खबर की ओर। मुंबई हाईवे पर भीषण सड़क हादसा, ब्रेक फेल होने की वजह से होटल में जा घुसा कंटेनर ट्रक, मची चीख पुकार, 9 की मौत, 28 घायल। क्या है पूरा मामला बताएंगे इस रिपोर्ट में। महाराष्ट्र के मुंबई आगरा राजमार्ग पर मंगलवार दोपहर एक ट्रक के ब्रेक फेल होने से बड़ा हादसा हो गया। दुर्घटना राज्य की राजधानी से 300 किलोमीटर से अधिक दूर स्थित धुले जिले में मुंबई आगरा राजमार्ग पर प्लांट नेर गांव के पास हुई है। ब्रेक फेल होने के बाद कंटेनर ट्रक ने कई वाहनों को भी टक्कर मारी और राजमार्ग पर स्थित एक होटल में जा घुसा। बताया जा रहा है कि इसकी चपेट में आने से 9 लोगों की मौत हो गई है और 28 लोग घायल है। अनियंत्रित कंटेनर की ट्रक से कई वाहन बुरी तरह से क्षतिग्रस्त भी हो गए हैं। बता दें कि महाराष्ट्र पुलिस के मुताबिक घटना मंगलवार दोपहर करीब 12 बजे की है। अचानक कंटेनर ट्रक के ब्रेक फेल हो गए थे, जिसके बाद चालक ने इस पर अपना नियंत्रण खो दिया। उन्होंने बताया कि ट्रक ने दो वाहनों को टक्कर मारी और फिर राजमार्ग पर बस स्टैंड के पास एक होटल में जा घुसा। होटल में घुसने के बाद इसकी चपेट में काफी लोग आ गए। इस हादसे में कम से कम 9 लोगों की जान चली गई है, वहीं 28 लोग हादसे में घायल भी हो गए हैं। बताया जाता है कि ट्रक मध्य प्रदेश से धुले की ओर जा रहा था। बता दें कि कंटेनर ट्रक के होटल में घुसने पर चारों ओर चीख पुकार मच गई। होटल में मौजूद लोग हादसे के बाद इधर उधर खुद को बचाने के लिए भागने लगे। हादसे में घायल लोगों को पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। बता दें कि मध्य प्रदेश के सतना में भी 3-4 जुलाई की रात भीषण हादसा हो गया। बाइक सवार 3 युवक सतना चित्रकूट रोड पर खड़े थे, ट्रक से टकरा गए। इस हादसे में तीनों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तीनों मृतकों के शव बरामद कर लिए गए हैं। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया। पुलिस का कहना है कि इस पहलू की जांच की जाएगी कि युवक किन परिस्थितियों में खड़े ट्रक से टकराए। पुलिस ने ट्रक को जब्त कर लिया। ट्रक के अंदर सो रहा ड्राइवर हादसा होते ही फरार हो गया। हादसे के बाद प्रशासन ने ट्रक नहीं हटाया, इस वजह से कुछ ही घंटों बाद फिर दो गाड़ियां उससे टकरा गई। तो ये थी आज की हमारी खास रिपोर्ट। इसी तरह की खबरों के लिए बने रहे अच्छे न्यूज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।